हाय फ्रेंड्स, मैं सलीम नसीम मोटर वर्कशॉप बनारस। फ्रेंड्स, आज हमारे पास देखिए एक BMW है, गाड़ी में गियर की प्रॉब्लम है। तो अभी हम गाड़ी के नीचे से ही वीडियो बना रहे हैं और खोलते हैं, चेक करते हैं, देखते हैं गाड़ी में क्या दिक्कत है। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए आपको दिखाते हैं। अभी मैं गाड़ी के नीचे ही हूँ, ये देखिए फ्रेंड्स। जैसा कि मैं बताया हूँ कि मेरे पास टीम है, तो गाड़ी में ये देखिए चेंबर मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए यहाँ से क्रैक हो गई है, ठीक है। और समीम भाई ये देखिए गाड़ी में लगे हुए हैं, गाड़ी के नीचे खोल रहे हैं। मैं भी गाड़ी के नीचे हूँ, अभी चेंबर खोलता है, मैं चेक करता हूँ गाड़ी में क्या क्या दिक्कत है फ्रेंड। ठीक है, तो चेंबर देखिए खोलना स्टार्ट हो गया है। इसके बाद इसमें देखिए ये चेंबर की ये सब बोल्टे हैं, ये सब बोल्टे खुलेंगी, ये चेंबर आ जाएगा नीचे। फ्रेंड्स, ये देखिए हमारा चेंबर समथिंग अब खुल चुका है। उसके बाद हम इसको चेंबर को निकालेंगे बाहर। मैंने आपको चेंबर दिखाई दिया है, देखिए ये लड़कर क्रैक हो गया, जिसकी वजह से गियर नहीं लग रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, एक मिनट, चलो
फ्रेंड्स देखिए गाड़ी का चेंबर निकल रहा है, इसको हम निकालते हैं। ये देखिए हमारा चेंबर है जो कि आयल गिरने की वजह से ट्रांसमिशन हमारा काम नहीं कर रहा था फ्रेंड्स। ये देखिए हमारा ट्रांसमिशन आया, अभी हम चेंबर को सही कर कर लगाते हैं और चेक करते हैं इसको, ठीक है फ्रेंड्स। ये देखिए गाड़ी का ये चेंबर है, ये गाड़ी है, देखिए मैं आपको गाड़ी दिखाता हूँ। ये BMW है 5 सीरीज, ठीक है फ्रेंड्स। फ्रेंड्स ये देखिए इसका चेंबर हम धुल रहे हैं, पहले हम इसको रिपेयर करके लगाएंगे, गेयर चेक करेंगे, फिर इसके बाद इसका चेंबर चेंज करेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। ये देखिए चेंबर फ्रेंड्स, ये हमारा ये देख रहे हैं पानी गिर रहा है, ये पूरा क्रेक है। पहले हम इसको लगाकर इसका गेयर चेक कर लेते हैं, उसके बाद बदलते हैं चेंबर, ठीक फ्रेंड्स। फ्रेंड्स अभी देखिए फ़िलहाल में मैंने इसका चेंबर रिपेयर कर दिया है, अभी मैं इसको गियर चेक कर कर फिर नया चेंबर लगाएंगे। तो देखिए मैंने इसमें पानी डाला हुआ है और हमारा ये देखिए मैंने इसको पूरा रिपेयर कर दिया, ये कहीं से लीकेज नहीं है, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए इसको फिट करते हैं, फिर करते हैं गाड़ी में कम्प्लीट और आयल डाल कर चेक करते हैं गियर, ठीक है फ्रेंड्स। फ्रेंड्स ये देखिए अभी हम गियर की सफाई कर कर चेंबर लगाते हैं, इसका फेस साफ कर रहे हैं, फिर इसमें हम ट्रांसमिशन आयल डालेंगे। जैसा कि मैंने कहा है कि मैं एक टीम वर्क के साथ काम करता हूं, तो देखिए हमारी टीम लगी हुई है, समीम भाई साफ कर रहे हैं। देखिए फेस साफ हो गया है फ्रेंड्स, अब हम लगाते हैं इसको। तो फ्रेंड्स ये देखिए चेंबर लग रहा है, इसकी फिल्टर की लोकेशन भी है, तो फ्रेंड्स ये देखिए चेंबर बैठ गया है, हम इसको कंप्लीट करते हैं। इसमें 30 नंबर का देखिए गोटी लगा हुआ है। देखिए फ्रेंड्स चेंबर कस आ चुका है, मतलब सेट हो चुका है, अभी सब बोल्टे लग रही है। मैं आपको इसमें गेराइल की भी लोकेशन दिखा देता हूँ, किसी में देखिए गेराइल की लोकेशन हमारी इस जगह पर देती है फ्रेंड्स। ये हमारा देखिए दाहिने साइड का, मगर ये देखिए ये इस जगह देखिए गेराइल का लोकेशन दिया है। ये देखिए फ्रेंड्स ये 10 नंबर का गुटका, ये चेंबर के साथ सब नया आता है फ्रेंड्स, बोल्ट और चेंबर और ये सब बोल्ट है। तो फ्रेंड्स अभी देखिए फिलहाल में तो हम चेंबर ही कसा देते हैं, इसको गियर चेक कर लेते हैं, फिर बदलेंगे इसका चेंबर, ठीक है।
फ्रेंड्स ये देखिए हमारा चेंबर फाइनली टाइट हो चला है। अब हम इसमें गियर ऑयल डालेंगे, ठीक है। हाँ चाहिए स्टीयरिंग ऑयल लेके अलग से। बस बस फ्रेंड्स देखिए चेंबर कसा गया। अब इसका हम ये खोल रहे हैं चेंबर नट, गियर ऑयल वाला नट, और फिर इसके बाद डालते हैं गियर ऑयल, ठीक है फ्रेंड्स। चालू कर फ्रेंड्स। देखिए चेंबर नट खुल रहा है, सॉरी गियर का नट। उसके बाद हम करेंगे इसको, फ्रेंड्स ये देखिए गियर ऑयल का नट है। अब हम इसमें डालते हैं ऑयल। ये देखिए ये ट्रांसमिशन ऑयल है इसका, इसमें हमने डेल्फी का ये डाल रहे हैं BMW में, ठीक है फ्रेंड्स। ये देखिए इसमें अब हम BMW में ऑटो ट्रांसमिशन ऑयल डाल रहे हैं। मैं आपको इसकी लोकेशन दिखा देता हूँ। ये ऑयल है, ये हमारा देसी मशीन है, ये देखिए, और ये इसकी लोकेशन है। हमने देखिए 2.5 लीटर गियर ऑयल डाल दिया है। 2.5 लीटर गाड़ी स्टार्ट करने के बाद फिर से डालते हैं, फिर लगाते हैं इसका गियर और स्टार्ट करते हैं गाड़ी, ठीक है फ्रेंड्स। ये हमारा 5 लीटर का ट्रांसमिशन ऑयल है। फ्रेंड्स देखिए हमने इसमें 5 लीटर गियर ऑयल डाल दिया है। अब हम गाड़ी को स्टार्ट करेंगे, इसके बाद फिर गियर ऑयल इसको चढ़ाएंगे। इसमें देखिए गियर ऑयल डालने का तरीका मैं आपको बता देता हूँ। गाड़ी हमारी स्टार्ट हो गई, यहाँ मीटर देखा। ये देखिए हमारे गियर के पास फ्रेंड अभी ये सिंबल दिख रहा है, अभी मेरा गियर एकदम नहीं ले रहा था। देखिए अभी मैं इसको डी पे डालता हूँ और चक्के को छोड़ दिया। देखिए डी पे आ गई है, चक्का हमारा धीरे धीरे चल रहा है। और एक्सीलेटर देता हूँ, देखिए फ्रेंड्स अभी हमारा जो इसके गियर के क्लच होते हैं
उसमें आयल अभी ड्रेन हो रहा है, अभी हम इसको 10 मिनट चलाएंगे, उसके बाद हम गाड़ी में फिर से आयल को फुल करेंगे और फिर उसके बाद हम फाइनल गाड़ी स्टार्ट करेंगे और गियर चेंज करके दिखाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, फ्रेंड्स देखिए हमने गाड़ी को बंद कर दिया है, अब हम इसमें फिर से आयल चेक करते हैं। आयल का नट खोलो और नट चेक करते हैं, फिर आयल को टॉप अप करते हैं। अंदर दिखाओ, शमीम भाई गाड़ी के अंदर घुसे हुए हैं। तो देखिए नट को खोल दिया है इन्होंने, अब आयल फिर से डालते हैं। देखिए फ्रेंड्स, हमने नट को खोल दिया है, ये इसका लोकेशन है। ओके, तो फ्रेंड्स ये देखिए अभी हम आयल इसमें टॉप अप करते हैं। अभी हमारा ये आयल बचा हुआ है, इसमें 8 लीटर आयल समथिंग पड़ता है फ्रेंड्स। ये देखिए हमने ट्रांसमिशन आयल इसका मंगाया था 5 लीटर, ये देखिए हमने डाल दिया हुआ है। ये हमारा डिब्बा है 5 लीटर का, अब इसको हम दोबारा डालते हैं और आयल। इसको हमने देसी कूलर बनाया हुआ है, गाड़ी को स्टार्ट कर ये आयल हमारा टॉप अप होगा। जब तक इसमें फुल आयल नहीं पड़ेगा फ्रेंड्स, हमारा गाड़ी का गेयर एकदम सॉफ्टली नहीं लगेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए समथिंग हमने 8 लीटर आयल डाल दिया है। अब हम करते हैं गाड़ी को कंप्लीट, इसके बाद मॉर्निंग करेंगे इसकी ट्रायल और कंप्लीट करेंगे गाड़ी को। ठीक है फ्रेंड्स।